वेलकम टू तो हमें आ रही थी बहुत सारी क्वेरीज कि मैम जुडिशरी की, की तैयारी करने के लिए हमें सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए या जब हम एलएलबी में भी हैं तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए तो ये सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं ये वीडियो तो इसमें सिर्फ बेस सब्जेक्ट्स की ही बुक रिकमेंडेशन नहीं है साथ में यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी में जो इसेंट्रिक सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने आपके लॉ स्कूल्स में नहीं पढ़े होंगे बहुत ध्यान से उनकी भी बुक रिकमेंडेशंस हैं तो इसको एंड तक देखिएगा और यहाँ पे जो आप बुक निर्धारित करके जा रहे हैं इसी बुक को आपको बार 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 रीड करना है यही की है एग्ज़ाम निकालने की ना कि ये कि चार किताबें आप लेके बैठ जाइए और चारों किताबों से पढ़िए एक किताब निश्चित करिए बढ़िया किताब और उसी किताब को आप पार बार बार पढ़िए दैट इज द की टू क्रैक जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो अंत तक बने रहिए है टू सी दी सब्जेक्ट टू सी दी बुक रिकमेंडेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट सो वी गो तो आके सबसे पहले हम करते हैं प्रोसीजरल लॉ की बात तो सिविल प्रोसीजर हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर हो दोनों के ही बैर आट्स काफ़ी महमत हैं काफ़ी बड़े बड़े बैर आट्स हैं और इनको देख के ही घबराहट होती है तो आप मुझसे पूछोगे मैम क्या इतने बड़े बड़े बैर आट्स के बाद भी बुक पढ़नी है तो माई आंसर वुड बी दैट दीज बुक्स विल शॉर्टन योर बर्डन दे विल लेसन योर बर्डन कैसे क्योंकि ये एक्जैक्टली exactly आपको बताएंगी कि सेक्शंस कैसे ऑर्डर के साथ पेयर करना है कौन से सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं कौन से सेक्शंस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं सेक्शन में कौन सा केस लॉ है जो इम्पोर्टेंट है और उस सेक्शन में एक्चुअली में क्वेश्चन बनता कहाँ से है तो ये बुक्स आपका ये काम संभालने वाली हैं बात करें अगर CPC सी की तो टकवानी सर की बुक जो है ये बहुत ही फेमस किताब है बहुत ही आसान किताब है देखने में भले ही इसका वज़न आपको ज़्यादा लगे घबरा जाएं, बट ये किताब पढ़ने में बहुत ही कॉम्प्रिहेंडेबल है छोटी छोटी हेडिंग्स में बातें लिखी हुई हैं जिससे इसको रिटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक एंड दिस विल ईज़िली मेक योर जर्नी टूवर्द सी पी सी वेरी ईजी एंड लाइक अ केक वॉक अगर बात करें सी की तो सी में केलकर साहब की ये जो किताब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की ये भी वैसा ही काम करती है ये आपके लिए सेक्शंस को आसान बना देती है तो सी में जब आप बड़े बड़े प्रोविजंस देखते हैं और देखते हैं कि आ, इसके प्रोवाइजों हैं सब प्रोवाइजों हैं जिनको थोड़ा समझ पाना मुश्किल है तो उन सब चीज़ों को आसान करने में ये केलकर सर की बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आगे बढ़े अगर तो एविडेंस की बात कर लें तीसरा तीसरा प्रोसीजरल लॉ इसमें बहुत चलती हुई बुक है बटुक लाल की और ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका एक मेरे पास ऑल्टरनेटिव uh, सजेशन भी है कि अगर आपको बटुक लाल नहीं मिल पाती है तो आप डॉक्टर अवतार सिंह की बुक भी ले सकते हैं ये भी बहुत ही बढ़िया uh, किस्म की ईजिली कॉम्प्रिहेंडेबल बुक है बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड भी बटुक लाल बिकॉज एविडेंस में बटुक लाल को अथॉरिटी मानते हैं कमिंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टी लॉ तो प्रॉपर्टी लॉ में डॉक्टर पूनम प्रधान सक्सेना की बुक बहुत ही अच्छी किताब मानी गई है वंस अगेन प्रॉपर्टी कंपेरेटिवली ईजी लेजिस्लेशन है बट देयर कैन बी एरियाज़ दैट यू डोंट नो विल बी आज इन क्वेश्चन बिकॉज दे आर स्लाइटली कंकॉक्टेड दे आर स्लाइटली ट्विस्टेड तो उन एरियाज को हाईलाइट करती हुई ये डॉक्टर पूनम प्रधान सक्सेना की बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी प्रॉपर्टी लॉ की स्टडी में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी लैंडमार्क बुक्स भी चलती हैं जैसे कि एम पी सिंह एम पी जैन है ना एक्सेट्रा बुक्स चलती हैं तो इन बुक्स को भी आ, आ, पढ़ सकते हैं आप लेकिन ये बुक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो जुडिशरी के लिए इतनी वायबल नहीं है जुडिशरी के लिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप जे पांडे को पढ़िएगा ये थोड़ी शॉर्ट बुक है थोड़ी क्रिस्प बुक है इसमें आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजन मिल जाएंगे आसान भाषा में मिल जाएंगे पर हाँ अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ एम पी जैन खरीदेगा और जे एन पांडे आपके लिए काफ़ी नहीं होगी बट अगर सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करनी है तो जे एन पांडे विल सफाइज द पर्पज कमिंग नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आई पी मेसी सर अथॉरिटी हैं और यही किताब है जो बहुत बढ़िया चलती है आई पी मेसी सर की किताब की खासियत यह है कि ये बड़ी देखने में ज़रूर है लेकिन वही बात जैसे सी पी सी में मैंने कही कि हेडिंग्स इतनी कैची हैं इतना आसानी से फ्लोई भाषा में लिखा हुआ है कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव uh, लॉ अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं और आपने मेंस में इसको ऑप्ट किया है तभी ये बुक पढ़ने की आपको डिटेल में ज़रूरत है सिर्फ प्रिलिमिनरी के लिए इतना डिटेल में इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है uh, और कहीं ना कहीं से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नोट्स ले लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड सीरीज़ चाहिए लेक्चर चाहिए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताएं वील पोस्ट इट ह्योर इट राइट आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर आपने मेंस में लिया है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आई पी एम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए कमिंग नेक्स्ट हिंदू लॉ की बात करें तो डॉक्टर पारस दीवान की किताब बहुत ही बढ़िया अथॉरिटी है डॉक्टर पारस दीवान ने बुक्स हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के लिए भी निकाली हैं बट हिंदू लॉ के लिए सिर्फ पारस दीवान सर की किताब बढ़िया रहेगी मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो अकील अहमद सर की ये बुक है मुस्लिम लॉ की जो बहुत चलती है माई स्ट्रॉग सजेशन टू यू इज़ कि मुस्लिम लॉ आप इस किताब के अलावा कहीं से ना पढ़ें स्पेशली इंटरनेट सोर्सेज से तो बिल्कुल ही ना पढ़ें क्योंकि मुस्लिम लॉ की पोजिशन बहुत क्लियर नहीं होती हैं किस चीज़ का वक्फ किया जा सकता है किस चीज़ का नहीं किया जा सकता है क्या रिस्ट्रिक्शनज़ हैं विल में ये सभी जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको कई जगह कई अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं तो ऐसे में बढ़िया ये रहेगा कि आप एक अथॉरिटी किताब उठाइए और उस अथॉरिटी किताब से ही पढ़िए तो अकील अहमद विल श्योरली सफाइज दिस परपज़ज़ राइट आ, तो आगे बढ़ते हैं बात करें अगर आई की तो फिर वही बात आई में बैराट काफ़ी है लेकिन उतनी भी काफ़ी नहीं है क्योंकि बैराट केस लॉज नहीं बताती है और क्वेश्चन के ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं बताती है कि एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से बनेगा तो उस काम के लिए ये पिल्लई सर की बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कमिंग नेक्स्ट टॉर्ट्स बहुत नन्ना मुन्ना सा सब्जेक्ट है क्यों क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बट इतना लाइटली लेने की इसको ज़रूरत नहीं है यूपी में बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉर्च और ज च इसकी बैर एक्ट भी नहीं है तो ये एक अच्छी किताब से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब टॉर्च की बात की है तो कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में अवतार सिंह की बुक एक बहुत ही अच्छी किताब है और अगर आपको अवतार सिंह नहीं लेनी है तो आप आर के बांगिया भी ले सकते हैं ठीक है आर के बांगिया भी इक्वली अच्छी बुक है तो आप आर के बांगिया और अवतार सिंह में से दोनों में से कोई बुक ले सकते हैं टॉट्स की अगर हम बात करें तो बांगिया इज अ वेरी स्ट्रांग सजेशन अब आता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ देखिए ये आपको आपके लॉ स्कूल में बहुत ज़्यादा आपको एम्फोसिस देके नहीं पढ़ाया गया होगा और यूपी में और बिहार में स्पेशली ये इक्विटी ट्रस्ट एस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ऐसे में किताब ना होना कैन बी अ वेरी सुसाइडल थिंग फॉर यू इन सब सिचुएशंस को देखते हुए ये एक किताब है जो कि मास्टर स्ट्रोक किताब है इससे आपको इक्विटी का भी ज्ञान हो जाएगा ट्रस्ट का भी ज्ञान हो जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ का भी ज्ञान हो जाएगा ये किताब आप ज़रूर से ज़रूर खरीदें क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें आपको मिल तो इधर उधर नोट्स में भी जाएंगी पर वो अथॉरिटी नहीं होती है उस अथॉरिटी के लिए आपको ये किताब रेफ़र करनी ही करनी चाहिए फिर आते हैं लॉ ऑफ़ सेल्स ऑफ गुड्स तो देखिए अगर आप बाया सर की बुक लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तो उसमें आपको सेल्स ऑफ गुड्स मिलेगा लेकिन वो सेल्स ऑफ़ गुड्स बढ़िया नहीं है वो उतना अच्छे से एम्फोसिस दिया नहीं गया है तो अगर आपको लॉ ऑफ़ सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ना है तो वंस अगेन अवतार सिंह सर की बुक लीजिए और इसको सेल्स ऑफ गुड्स को अच्छे से पढ़िए स्पेसिफ़िकली बिहार में अगर आप कॉमर्शियल लॉ का पेपर ऑप्ट किए हैं तो तो फिर आपको ये ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है ठीक है आप इस्केप कर ही नहीं सकते आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप की बात करें वंस अगेन अवतार सिंह सर की बुक पार्टनरशिप की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और ये भी पार्टनरशिप के बारे में आपको एट लेंथ बताएगी तो सिर्फ बैराज से जब आपका काम ना चल पाए तो आपको पार्टनरशिप को अवतार सिंह सर की बुक से पढ़ना चाहिए ठीक है और बैर से काम नहीं चलेगा अगर आप कॉमर्शियल लॉ के पेपर में बिहार में जा रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा तो आगे बढ़ते हैं कंपनी लॉ की बात करें वंस अगेन अवतार सिंह अवतार सिंह सर की बुक कंपनी लॉ की बहुत आसानी से समझने वाली किताब है ये कंपनी लॉ बहुत एम्फेसिस से आप तभी पढ़िए जब आपने बिहार में इसको ऑप्ट किया हो अन्यथा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर प्रिलिमिनरी के पर्पज़ से आपको कंपनी लॉ जानना है तो मैं फिर से कहूँगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए हम कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट सेक्शन वगैरह इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स आपके लिए लेकर आएंगे राइट आगे बढ़ते हैं Uh, मैं ये कहना चाहूँगी कि uh, हमने सब बुक्स की कुछ ना कुछ इमेजेस लगाई हैं वो इमेजेस आपके रेफरेंस के लिए हैं तो इमेजेस बदलती जाएंगी क्यों बदलती जाएंगी क्योंकि उसके एडिशंस uh, बदल रहे हैं राइट तो इमेजेस बदल जाएंगी एग्जैक्टली exactly ये इमेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है मैंने इमेज इसलिए लगाई हैं ताकि आपको बुक ढूंढने में कभी आसानी हो विद दिस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट टर्न ऑन नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे मोटिवेशन के लिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए हाउ डिड यू लाइक इट ऑल्सो प्लीज लेट एस नो इफ एनी थिंग स्पेसिफिकली यू वॉन्ट एंड स्टेड यून टू लॉसिफाइड देर इज़ अ वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट कमिंग अप सून सो प्लीज़ स्टे देर हैप्पी लर्निंग ब बाय टेक केयर